प्रेरकों की बात 6 फरवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष कौन रखेगा, किस प्रदेश के प्रेरकों की है बात, देखिए पूरी न्यूज। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूं गोपालदास बैरागी। आप देख रहे हैं गोपालदास बैरागी यूट्यूब चैनल। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस जरूर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें व नोटिफिकेशन प्राप्त करने हेतु आप बेल को प्रेस जरूर 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 करें। साक्षरता सविता प्रेरक मोर्चा की प्रेरक पहुंची आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर। रीवा जिले के कांग्रेस कार्यालय पर आज रीवा जिले के सविता प्रेरक कांग्रेस जनप्रतिनिधि से मिलने व वचन पत्र को याद दिलाने हेतु रीवा जिला कार्यालय पर पहुंचे। और ये जनधन योजना, शौचालय, ये पूरे पूरा मानो जो भी शासन की योजना थी सब में हम लोग का जो आदेश आया, लेकिन हमारी संविदा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 31 मार्च को खत्म कर दिए और हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको अवगत कराए, इसके बावजूद भी हम लोगों का बेरोजगार छीनत है। हम लोग इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात की है, वीरेंद्र गोखल जी से। उन्होंने हमारी बातों को माननीय कमलनाथ जी तक पहुंचाए और हमें मिलवाए और वहां सब बात हुई और हम लोगों का बचत पत्र में जोड़ा गया। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग मीटिंग रखे थे कि हम लोग 15 तारीख को फिर से एक रैली के माध्यम से माननीय कमिश्नर माध्यम के माध्यम से मुख्यमंत्री माध्यम को एक ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री महोदय जी को। और आज हम कांग्रेस कार्यालय पे आकर के प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य माननीय ब्रजेश पांडे जी से मुलाकात कर अपने एक ज्ञापन से अवगत करा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम बेरोजगारों को रोजगार का अवसर एक बार फिर से मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चालू है वीडियो। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री और हर वर्ग की गरीबता के साथ काम करने के लिए चर्चा रहते हैं। प्रेरक संघ की समस्या को वचन पत्र में शामिल किया गया था और प्रेरक संघ के लोगों की जो मांग थी रियायत मांग सरकार हम लोग साक्षर भारत योजना अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में 2 प्रेरकों की नियुक्ति की गई थी और 5 वर्ष संविदा पर हम लोग काम किए और शासन की हर योजना में काम किए और शिक्षा का संचालन करते थे, सर्वे का काम और ये जनधन योजना, शौचालय, ये पूरा मानो जो भी शासन की योजना थी सब में हम लोग काम जो आदेश आया, लेकिन हमारी संविदा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 31 मार्च को खत्म कर